मुझे सुझाव दिया गया है कि मैं दो शब्दों में अपना आशीर्वाद आपके सामने रखूं। सही मायने में आशीर्वाद तो दो शब्दों का ही होता है। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा हट करके और आप सबकी अनुमति से थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का लगभग 150 वर्षों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस दौरान भारत की आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद भारत के लोकतंत्र के विकास में इस न्यायालय से जुड़े लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। और मैं सोच रहा था कि इस हाई कोर्ट ने आज़ादी के लड़ाई के दौरान क्या हुआ, उस समय भी लोगों को न्याय दिया। जब देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात लोगों को जिस प्रकार की न्याय की आवश्यकता थी, वो न्याय निरंतर देता आ रहा है। यहाँ की शानदार परंपरा के निर्माण में बार और बेंच दोनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उच्च न्यायालय की एक गौरवमयी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए मैं बार और बेंच दोनों के प्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस न्याय ग्राम परियोजना के समयबद्ध और प्रभावी रूप से संपन्न होने की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़े सभी लोग इस न्यायालय को के गौरव को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इस न्यायालय से जुड़े महामना मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे अनेक देश प्रेमी विधिवेत्ताओं की एक लंबी सूची है, जिनमें से मैंने कुछ ही के नाम लिए। चौरी चौरा और मेरठ कॉन्स्पिरेसी जैसे मामलों में इस न्यायालय ने स्वतंत्रता या लिबर्टी की परिभाषा देते हुए अपने ऐतिहासिक निर्णय दिए थे। इसी उच्च न्यायालय ने सन 1921 में भारत की पहली महिला वकील सुश्री कोर्नेलिया सुराब जी को एनरोल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने कई उच्च न्यायालयों में आवेदन किया था परंतु उन्हें एनरोलमेंट नहीं मिला था। अब तक इस उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान के अनुरूप अपने स्वतंत्र और भयमुक्त योगदान द्वारा हमारी न्यायपालिका ने पूरे विश्व में एक लोकतंत्र के रूप में भारत की साख को बढ़ाया है। आज न्यायपालिका हमारे देश की सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक है। अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर कार्य करने का अवसर मिला है। न्याय व्यवस्था से जुड़कर मैंने गरीब लोगों के न्याय पाने के संघर्ष को नज़दीक से देखा है। न्यायपालिका ही उन सबका सहारा होती है। फिर भी देश का सामान्य नागरिक भरसक न्यायालय की चौखट खटखटाने से बचता जाता है। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। समय से सभी को न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, सामान्य आदमी की भाषा समझ में निर्णय देने की व्यवस्था हो और खासकर महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
न्याय मिलने में देर होना भी एक तरह का अन्याय है। गरीबों के लिए न्याय प्रक्रिया में होने वाले विलंब का बोझ असहनीय होता है। इस अन्याय को दूर करने के लिए हमें एडजर्नमेंट से भरसक परहेज करना चाहिए। एडजर्नमेंट तभी हो जब और कोई उसका विकल्प ना हो। पूरे देश के न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। इनमें से लगभग 40 लाख मामले उच्च न्यायालयों में पेंडिंग हैं और इनमें से भी 6 लाख मामले ऐसे हैं जो 10 साल से भी अधिक पुराने हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी निचली अदालतों में लंबित लगभग 60 लाख विवादों को अगले कुछ वर्षों में शून्य के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के लिए मैं मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के सभी संबद्ध लोगों को साधुवाद देता हूँ। मुझे ये जानकारी आप सबके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कि अन्य कई उच्च न्यायालय भी लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। एक राज्य में निचली अदालतों में 30 जून 2017 तक 5 साल से भी अधिक पुराने लगभग 76,000 मामले लंबित थे। वहाँ 30 जून 2018 तक इस संख्या को आधा कर देने का लक्ष्य तय किया गया है। एक अन्य उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों में उसके जो 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों को 30 अप्रैल 2018 तक तथा 5 से 10 साल की अवधि वाले मामलों को 30 सितंबर 2018 तक निपटाने के अपने लक्ष्य रखे हैं। मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश में भी नियति समयावधि में ऐसे लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे। मुझे खुशी भी है कि आपके हाई कोर्ट ने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और सुगम बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज अधिकांश मामलों में यह स्थिति है कि जो गरीब मौकिल पैसा खर्च करता है और जिसके लिए पूरी प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही इस प्रक्रिया के बारे में अनभिज्ञ होता है। वह पूरी तरह से अपने वकील या अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। यदि स्थानीय भाषा में बहस करने का चलन और जोर पकड़े तो सामान्य नागरिक अपने मामले की प्रगति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। साथ ही निर्णयों और आदेशों की सत्य प्रतिलिपि का स्थानीय भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे आप सबको ये बताने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों और आदेशों के हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अन्य हाई कोर्ट्स भी हैं जिनके जजेस और मुख्य न्यायाधीशों से जब मेरा संपर्क हुआ, मैंने उनको ये सुझाव दिया, उन्होंने हमारे सुझाव को स्वीकारा और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आप सबसे भी, मुख्य न्यायाधीश और यहाँ के सभी माननीय न्यायाधीशों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस दिशा में कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। एक अधिवक्ता के रूप में मेरा अनुभव रहा है कि यदि वैकल्पिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाया जाए तो सामान्य नागरिकों को बहुत लाभ पहुंचेगा। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ मुख्य न्यायाधीश महोदय ने मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। हमारी न्यायपालिका के सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से उन चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कागज रहित न्यायालयों को स्थापित करने की दिशा में इस उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ 2 ई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स, आवासीय एवं अन्य सुविधाएं न्यायपालिका से जुड़े लोगों को बेहतर काम करने में सहायक होती है। मैं आशा करता हूँ कि यह न्याय ग्राम परियोजना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। निचली अदालतों की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।
मुझे बताया गया है कि न्याय ग्राम परिसर में एक न्यायिक अकादमी की स्थापना करने की योजना है। मुझे विश्वास है कि ये न्यायिक अकादमी उत्तर प्रदेश की लोअर ज्यूडिशरी की क्षमता को बढ़ाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। संयोग से आज विजय दिवस भी है। आज ही के दिन सन 1971 में भारत ने अपने इतिहास की सबसे शानदार सामरिक विजय हासिल की थी। ढाका में पाकिस्तान के जनरल्स ने लगभग 90,000 फौजियों के साथ भारतीय सेना के साथ सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। मैं आज के इस शिलान्यास को अपने उन बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मान में समर्पित करता हूं। आप सबके बीच में मुझे आने पर सुखद अनुभव हुआ। इस बीच मेरा प्रयास रहेगा, मुझे कभी अवसर मिलेगा तो आप सबके बीच में आना मेरे लिए एक और भी सुखद अवसर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।